वांछित समाचार देख रहे हैं आप और मैं बृजेश्वर शुक्ला और अभी मौजूद हूँ बिहार पंचायत चुनाव के दौरान परिभ्रमण में जो गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के गौरा पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ से प्रत्याशी हैं अजय मणि त्रिपाठी और मुन्ना बाबा जिनका चुनाव निशान ढोलक छाप मिला है और उनके भतीजे नीतीश त्रिपाठी जो दिल्ली में दैनिक जागरण के सीनियर एडिटर के पद पर कार्यरत हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रामीण परिवेश को भली भांति समझते हैं और इस दौरान इस चुनाव में अपने गांव में और इसे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। मेरे चाचा का नाम अजय मणि त्रिपाठी है जी। इस चुनाव में लगभग जनता के बदलाव में क्योंकि अब तक दो ही प्रत्याशी अपने रहे हैं, दो ही प्रत्याशी ने पिछले 20 साल से मतलब मैं थोड़ा बहुत सियासत राजनीति को समझ रहा हूँ, समझ देख रहा हूँ, दो ही प्रत्याशी रहे हैं तो इस बार जनता बदलाव चाहती है। उनका भी कहना है कि कब तक अब मेरी जैसे होता ही है कि अगर साल में मौसम बार बार बदलता है, कपड़े अपन जैसे अच्छा पहनते नहीं है, कपड़े भी अपन अलग पहनते हैं, खाना को नहीं खाते हैं, तो फिर ये जो पद है मुखिया उम्मीदवारों को क्यों नहीं बदल सकता। लोगों का कहना है कि बहुत हो गया आपके पास बदलाव चाहिए, हम बदलाव करेंगे और बदलाव में बैरिस्टर रहेंगे। अगर बदलाव की प्यार बढ़ रही है, मुखिया पद दो परिवारों के बीच से निकल कर दूसरे जगह जाने की ओर है तो क्या पब्लिक ओपिनियन कुछ वैसा है कि पब्लिक किन मुद्दों को लेकर के बदलाव करने के लिए तैयार है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक विकास का जो मुद्दा है जनता काम चाहती है ना। अगर किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास छत नहीं है उसको छत चाहिए, किसी को खाने को अनाज है उनके पास अनाज चाहिए, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। तो विकास का मुद्दा है डर और भय के का जो माहौल है उसको खत्म करना है। इस पंचायत में डर और भय का माहौल है। आज मैं रैली में निकल रहा हूँ और मेरे साथ मेरा कोई समर्थक जा रहा है तो सामने वाली पार्टी उसको धमकाती है, उसे घर पहुंच जाएगी, उसको फोन करेगी और बोले कि तुम बलंगा क्यों बोल रहे हो तुम मेरे साथ, इससे क्या हो जाएगा? मैं बोलता हूँ कोई नहीं, मत बोलो मेरे साथ, तुम्हें जो अपना काम करना है मेरा काम करना, तुम तुम्हें वोट का अधिकार तुम्हारे पास है, वोट की ताकत तुम्हारे पास है तो वोट देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आखिर हम किस लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं और किस समाज में रह रहे हैं कि आप मेरे साथ खुल के बात नहीं कर सकते, आप मेरे साथ खुल के घूम नहीं सकते, आप मुझसे अपनी कोई चीज शेयर नहीं कर सकते। इस तरह का डर का जो माहौल पैदा किया गया है पिछले 20 सालों से वो डर का माहौल इस पर खत्म करना और इसलिए जनता मेरे साथ और ये डर का माहौल इस पर खत्म होगा और बदलाव हो गया। आप एक सीनियर पत्रकार हैं और आप भली भांति इस माहौल को समझ रहे हैं तो क्या आपको ये लगता है कि पिछले 20 सालों में कुछ नहीं बदला, आज भी पब्लिक भय के साए में जी रही है, आपके साथ खुलकर अपनी आवाज नहीं उठा रही है, आप नहीं ले पा रही है तो क्या जो सुशासन सरकार अगर दावा करती है कि हमने अपराध को, इस भय को, बाहुबल को हर प्रकार से मिटाने का काम किया है तो इसमें अभी भी कुछ कमियां गौरा पंचायत में रह गई है? सुशासन सरकार पटना बैठी हुई है जी, वो वहाँ से कुछ घोषणाएं कर देती है, सारी कुछ कर देती है, बोलना वो होती है लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वो नहीं रहती। मैं जो इस पंचायत की बात करूँ तो मैंने जैसा बोला कि मेरे साथ कोई घूम रहा है उसको डरा देता है। चाचा जी मेरे चुनाव प्रचार में मतलब मैंने नहीं कर रहे थे और मेरे घर को चोट लगे, मैं यहाँ फ्रैक्चर हो गया, तीन जगह टूटा हुआ है, मेरे ड्रेस पे है, चुनाव प्रचार में उनका एक वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया फेसबुक पे, उस वीडियो को फेसबुक पोस्ट पर कमेंट जो भी शुभचिंतक उन्होंने कमेंट किया कि आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, फोन करके उस कमेंट को डिलीट करवाया गया कि तुम बल्ला के पोस्ट पर क्यों कमेंट कर रहे हो कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, मैं आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, तुम इस चीज़ को डिलीट करो और तुम मेरा फोटो डालाया मेरे शेयर कर मिल सकती हो। तो ये क्या है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मैं किसके साथ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, किसकी गली में जाऊँ, किससे बात होकर मैं तय करूँगा, मेरे जिंदगी में फैसला है, आप कौन होते हैं तय करते हैं। तो अभी भी हमें समाज में रह रहे हैं, काम झुक चुके हैं, वो एक डायलॉग है ना मुझे हमारे घर में हमारे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है, कुल 4 लोग फिलहाल यहाँ पे हैं, पापा है, मेरे पिताजी हैं, मेरा छोटा भाई डॉक्टर सजच है, मैं कोई जर्नलिस्ट के रूप में यहाँ पर रहता हूँ, मेरे चाचा जी मेरे समाज सेवा में लग रहे हैं, मीटिंग सक्रिय यहाँ पर, कभी किसी ने किसी को कभी किसी से गाली गलौज नहीं किया, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं, किसी को मारा नहीं, ऐसा रिकॉर्ड ऐसा इतिहास हमारा रहा ही नहीं है। तो जनता के ऐसे लोग चुनेगी ना जो किसी को धमकाता नहीं, किसी को डराता नहीं है, प्यार मोहब्बत से लोग बात करते हैं, दूसरे को सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं, ऐसे लोग चुनेंगे जो डरा नहीं, पहले वो क्यों चुनेंगे? अभी तो डर रही है, ठीक है, नहीं घूम रही है मेरे साथ, लेकिन जब वोट देगी तो पता चलेगा कितना बड़ा मार्जिन है।
वो तो भारत का लोकतंत्र ऐसा है और आज हमको लगता है कि यही एक चीज स्वतंत्र है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर भय के साये में अकेले कमरे में जाके अपने मन से करता है। और अभी आपने एक बात कही कि अजय मणि त्रिपाठी की कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना में गिर गए, उनका कमर पर फ्रैक्चर हुआ है, चोट आया है, अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है और हम भी ये दुआ करते हैं कि बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच आए। लेकिन इस बात पर अगर कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ ने उसका भी विरोध किया, तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव अलग है, एक नैतिकता के आगे, नैतिकता के नाते हमको किसी को एक अगर शुभकामना दे जाने से, दुआ करने से अगर ठीक हो जाए तो हम सबके लिए दुआ करते हैं। ये बताइए, इन सब बातों को अलग करके क्या विकास क्या हुआ पिछले 20 सालों में? 20 सालों की बात करें, 10 सालों की बात करें, गत सत्र की बात करें, इस सत्र में क्या कुछ विकास हुआ गोरा पंचायत में और कहां कुछ कमियां रह गई? सबसे पहले तो बता दूं कि चाचा आप ठीक हो रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं और उनके ठीक होने की जो लोग भी दुआएं कर रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार है उनका, बहुत आभारी हूँ उनका। लेकिन जो लोग डरा पुकार रहे हैं, चाहे कमेंट भी करवा रहे हैं, चाहे लोगों से बोल रहे हैं दोबारा मत बोल रहे हैं, मेरा ये कहना है कि सियासत कैसे इतना नीचा मत गिरा, एक लेवल होना चाहिए। आप लेवल पार कर चुके, इतना नीचा गिर रहे हैं कि कोई मेरे शुभकामनाएं कितने दुआएं कर रहा है उसको भी डरा रहे हैं, तो इतना नीचा मत गिरेगा सियासत के स्तर पर, थोड़ा ऊंचा उठा के। दूसरी बात है कि विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा मैं देख रहा हूँ कि जब पॉलिटिक लोगों के पास आती थी तो 35,000-40,000 को मिलते थे, तो जो प्रत्याशी होते थे वो 20-25 अपने पास रख लेते थे और बाकी आता था सब लेते थे और उसमें जनता को लगता है बाप रे फलाना हम रखे इतना ज्यादा लड़ रहे हैं, ये हमारे कहते बहुत बड़ी चीज बा, हमारा 40 के बाहर हमारा 20 रुपया बड़ी बड़ी आसान के लिए हमारे ऊपर, अरे आपका 40 का अधिकार है, आप 40 लीजिए। विकास क्या, विकास कुछ नहीं, आप गाँव में जाएंगे यहाँ पे कई जगह आप देखेंगे, देखिए होता क्या है कि कई सारे ऐसे सरकार की स्कीम है जो पंचायत तक आती है लेकिन उसमें से कुछ ही का काम होगा, देखिए दिखाना भी तो है ना, आप पूरा नील पट्टा सन्नाटा कर देंगे तो सही है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा, आपने अपने कुछ सड़कें बनवा दी, कहीं कुछ पुलिया बनवा दिया, कहीं तकी खड़ा करवा दिया, लेकिन अभी मैं आईटीआई नहीं लगा के निकाल दूंगा कितना क्या हुआ है, कितना स्कीम आया था, तो सारे फोन खुल जाएंगे। विकास का मुद्दा कुछ नहीं है, वही परिवार को ये रहा है अभी तक और जनता ही फुटबॉल और मेरा छोटा भाई चुनाव जीता हुआ है, दिसंबर 2 साल उसका भी हो जाएगा, 2 साल से वो पैक्स में है और राशन जैसे पता है कि सब कुछ बांटा जाता है इसमें, राशन राशन खासन और की राशन, इस दरवाजे पे जो भी आता है, हमारे घर पे जो भी आता है उसके पास कार्ड हो ना वो राशन लेके जाता है और थोड़ा सा बढ़ा के जाता है ना, थोड़ा सा कोई आया इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाता है, उसको कोई भी आता है खाली नहीं जाता, वो कार्ड उसके पास हो कार्ड ना हो जितना भी आदमी सक्षम है उतना उसकी मदद करता है, खाली बोल जाता है। चाचा ने कुछ काम किया उसका जिक्र मैं कर, वैसे मैंने बहुत सारे काम किए हैं लोगों के लिए लेकिन कुछ का जिक्र मैं कर दे रहा हूँ, जैसे कि ब्लॉक से देखिए काम भी कुछ इससे काम ऐसे हमें बहुत लगेगा बहुत छोटा काम है पर छोटा भी बहुत बड़ा है, जब आप कहीं कोई काम करने जाते हो या कोई लंबी लाइन में खड़ा होना तो लगता है बाप रे रतन लाल का लाइन बढ़ेगी तो वहाँ से काम करना होगा, और जिनको लाइन में खड़े होने की आदत नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल लाइन है, वो खड़े होंगे पहले ही ऐसा करना जाएंगे बहुत लंबी लाइन उससे मिल पाता है, आधार कार्ड बनाया उन्होंने राशन राशन कार्ड बनवाया चुनाव इस पंचायत में 20 सालों से मुखिया का पद दो लोगों के पास है, राशन कार्ड किसी ने नहीं बनवाया, अब तक यही आरोप लगते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा राशन कार्ड जला दिया है, जिनका हक था खाने का उनसे हक छीन लिया है, जला दिया है, राशन कार्ड बनाया उन्होंने, पैन कार्ड बनवाया, पेंशन खाता खुलवाया, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आधार कार्ड बनवाया, ब्लॉक से आधार कार्ड में नाम सुधार करवाया, बच्चों के लिए बैंक खाता करवाया, आया प्रमाण पत्र बनवाना, कितना इससे कुछ काम नहीं तो बहुत छोटे हैं पर ये बहुत बड़े काम, आया प्रमाण पत्र बनवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में विधवा लोग किसी जगह पर बैठे हैं उसमें सहयोग किया उन्होंने, 200 लोगों ने वृद्धा पेंशन बनवाया उनके खाते पैसे आते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान 2021 आती है साल में चाहे 3 बार आती है 4 महीने के लिए आती है, थोड़ा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सही करिएगा, 2022 है, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया, विकलांग लोगों को पैसा दिलवाया, महिलाओं के जनधन खाता खुलवाया, हाँ
इसके अलावा पीएम बीमा योजना के तहत 200 लोगों का उन्होंने अप्लाई किया होगा जिसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख का जो बीमा होता है वो पहले हुआ करवाया उन्होंने। इसके अलावा और जैसे किसी का कोई बीमार है हॉस्पिटल में खर्च आ रहा है उसमें कोई खर्च उसमें दिया, शादी का किसी खर्च है वो दिया, जीवन भर में कोई वो आ रहा काम आ रहा है, खाने का कोई पैक कर रहा है उसमें सहयोग किया, दाते खारिज करवाना चाहते हैं जो बंदा बहुत बड़ा है वो भी, इस तरह के कई काम है जो उन्हें करवाया हुआ है। इसमें होता क्या है कि लोग जब ब्लॉक में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं कार्यालय में तो बापू का चक्कर का ये सिस्टम इसमें दोषी है, इस टेबल से उस टेबल के उस टेबल से उस टेबल के दौड़ रहे हैं जब तक कुछ पैसा देंगे नहीं तब तक काम होता है, ये सच्चाई है। हाँ ये सच्चाई है, सिस्टम की सच्चाई है। लेकिन वो खुद जाते हैं गाड़ी उतना पेट्रोल डालते हैं आपका कोई काम है जाते हैं अपने से कराते हैं और आते हैं घर पहुंच जाते हैं। तो जनता ऐसे लोग खोज रही है जो मेरा काम है और मेरा प्रतिनिधित्व है वो ब्लॉक में जाता है थाने में जाता है जहां भी जाता है ऑफिस में मेरा काम करवाता है और काम करवा के ला के वो कागज मेरे घर तक पहुंचा जाता है, ये सारे काम करवाए जाने तक। और राशन कार्ड की जो मैंने बात बताई है ये बहुत ही बड़ा है, राशन कार्ड बनाना मतलब आजीवन जब तक आप हैं जिंदा है तब तक आप राशन उठा सकते हैं, है ना। तीन दिन क्या चाहिए रोटी का प्रभाव पका रोटी का जुगाड़ तो कम से कम हमने किया है जो हो सकता है उसमें किया ना, ये हमारे पास ये हमने काम करवाया। इसके अलावा भी विकास के मेरे पास मुझे यही है कि हम चुनाव में आ रहे हैं और जनता हमें अगर जीत दिलाती है सहारा पहनाती है गुजारिश से बातें विकास हम करेंगे। और छोटा भाई जैसे मैंने बताया कि छोटा भाई को भी तक जो भी आता है खाली आप नहीं देता है काम हम कर रहे हैं और जनता इसे खुश भी। अभी क्या क्या है कि जातिवाद मजहब ये सब इस ग्रामीण क्षेत्रों में गवई राजनीति का एक अंग है, क्या लगता है कि इससे आपको कुछ परेशानियां हो रही हैं, आप उसको कैसे भुना रहे हैं, जनता आप पर कैसे विश्वास जता रही है, कुछ बताएंगे इसके बारे में। कभी हमने जाति की राजनीति नहीं की, कभी हमने धर्म की राजनीति नहीं की, हमारे साथ साथ दहली में हमें घूमते हमारे साथ हर जाति के लोग होते हैं और तब यहाँ पर छोटी छोटी उसके भी लोग हमारे साथ होते हैं। कुछ दिन पहले जब चाचा को छोटी डुबे थे और छोटी बहन गए हम सब घूम रहे थे गाँव में जनता के संचार थे जिसको हमारे साथ हर जाति के लोग थे, कभी जाति से हमें कोई पता नहीं सब जाति के लोग हमारे साथ हैं, हम धर्म का सम्मान भी करते हैं, मेरे कई सारे लोग मुसलमान हैं उनका सम्मान करता हूँ, अगर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप भी आप भी मेरे साथ जुड़े हैं आप देखें मतलब फेसबुक पोस्ट पे कभी भी मतलब उस फॉर्म के लिए मेरे बहुत अदब है बहुत इज्जत है, तो ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, जो है हमारे लिए जो मैं हूँ हमारे लिए सामने वाला भी वैसा ही है उसी वजह से हम उसको देखते हैं, तो ये हमारे लिए कोई कमी है। और सब लोग सब जाति के लोग हमेशा सहयोग करते हैं, दूसरे गाँव के लोग भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं, उतना सम्मान करते हैं हमारा सम्मान करते हैं और यही होना चाहिए यहाँ की राजनीति में भारतीय राजनीति भी होना चाहिए, मैं गाँव और लोकल की बात नहीं कर रहा, भारतीय सियासत भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे जाति का सम्मान करें एक दूसरे धर्म का सम्मान करें वो प्रकार रहे। अभी आपने जो बताया कि सिस्टम दोषी है, सिस्टम कई प्रकार के कार्यों को लेकर के पब्लिक को दौड़ाता है इस काउंटर से उस काउंटर, पब्लिक परेशान होती है और अपने हक के मांग को फिर अपने अंदर समाहित कर रखे छोड़ देती है, तो क्या लगता है कि अभी अगर गौरा पंचायत की जनता आपको मुखिया पद पर आसीन करती है तो आप उन कुरीतियों को उनको व्यवस्थाओं को कैसे दूर करेंगे। देखिए तो सिस्टम है, सिस्टम ऊपर से नीचे पूछते हैं तो सिस्टम को सुधार देना ही हमारी अकेले बस की बात नहीं सारे लोगों को करना और ये ऊपर से लेकर नीचे तक ही पूछती है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ चाचा मेरे देते हैं और कोई काम होता है जैसे वो पहले भी कराते हैं आगे तो वैसे ही कराएंगे, वो किसी का फाइल अगर आगे लेके जाते हैं काम करवाने दौड़ हो रहा है ना, मैं तो घर बैठा हूँ और मेरा काम हो रहा है, मेरा काम अगर मुन्ना बाबा ने एरिया अपने जिले के मुन्ना बाबा ने एरिया मैं करवा दूंगा, मैं घर बैठा हुआ हूँ और जिस तरह वो ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं आज 5 साल से लगा रहे हैं लोगों के लिए जाके पूछ सकते हैं लोग खुद बताएंगे 5 साल से वो यही काम कर रहे हैं, पेट्रोल भरवाते हैं सुबह नाश्ता करते हैं ब्लॉक में निकल जाते हैं और लोगों का काम करवा हैं, तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा ऐसे ही काम होता रहेगा। पंचायत चुनाव गवई चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है और क्योंकि शहरों में तो नगर निगम नगर परिषद के चुनाव होते हैं और इस दौरान कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत का गठन हुआ, वहां से एक पंचायत जो मुखिया बनता है प्रतिनिधित्व करता है कई गांवों का, क्या कुछ ऐसे भी मुद्दे और यह भी पॉइंट सोचने वाली जानने वाली है कि एक गाँव का अगर प्रत्याशी है तो फिर दूसरे गाँव का प्रत्याशी है पूरे पंचायत चुनाव में एक पंचायत के लिए, तो क्या ये भी कुछ प्रभाव डालता है क्या कि हमारे गांव के पंचायत प्रतिनिधि हैं ये दूसरे गांव के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने आप जब कोई हम खुद चाहते हैं कि हम मेरा जहाँ घर है वहाँ की दुकान हो जाए सारा सामान हम से ले लीजिए, इसी तरह ये बहुत बड़ा मुद्दा है ठीक है। जो मैं यहाँ हूँ मैं का चुनाव जीत रहा हूँ तो यहाँ मतलब जहाँ यहाँ की जो जनता वो चाहे कि मेरे नज़दीक का आदमी चुनाव लीजिए ना जो मेरे घर के आसपास का है, हाँ मेरे घर के घर के पीछे इतने सारे गांव हैं इतने सारे घर हैं तो लोग ये चाहेंगे मेरे आसपास का जीते, कल वो 2 मिनट मेरे पास पहुंच जाएगा कोई काम होगा तुरंत मेरे पास पहुंच जाएगा, कहीं उसको दूर जाना वो जाते जाते जाएगा वो सोचेगा कि मुझे वहाँ जाना है वो गाँव जाना है सोचते सोचते वो जाएगा,
हर आदमी यही चाहता है कि भाई मेरे आसपास का हो जिससे मेरी बराबर मुलाकात हो, मेरा बराबर परिचय होता रहे, दुआ सलाम रोजाना होता रहे। ऐसा कोई नहीं कि हम यहाँ से निकले चले गए कहीं और, उसमें कोई दुआ सलाम नहीं हो रही, कोई मुलाकात नहीं हो रही, काम पड़ रहा है तो सोचना पड़ रहा है कहीं जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है लोग यही चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि हम अपने आस पास के लोगों को चाहते हैं जो हमारे आस पास का है। एक वो कहावत है मुझे सही से याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कि दूर के इतना निमन लगे गए दुश्मन निमन चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं भोजपुरी में। तो वही है, मैं पास का हूँ, लोग चाहते हैं कि मेरे पास का आदमी जीते ताकि उससे मेरी बराबर मुलाकात होती रहे, कोई काम पड़े तुरंत मेरे पास पहुंच जाए। और जैसा कि अब तक उनकी रिसोर्स में खड़ा उतरे हम लोग और जो भी जैसा भी जिससे भी सहयोग हो सका वैसा किया हुआ है, चाहे मेरी दुकान है, चाहे भाई है छोटा, चाहे चाचा है, तीन लोग लगातार सक्रिय रहते हैं हमेशा, जिससे जैसा सहयोग हो पाया वैसा सहयोग किया है। तब हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे इससे पहले भी मेरे चाचा सक्रिय रहे हैं, बाइक उठा के पूरा पंचायत घूम देते थे, घर घर का जय बोलना का नारा लगाते थे, तुरंत सक्रिय उठाते थे या फिर आदाब सलाम, वैसे ही यहाँ भी रहेगा, इस बार भी रहेगा, क्योंकि वो एक जगह बैठ के रहते हैं, बाइक उठाते हैं पूरे पंचायत में घूम देते हैं, ठीक है। तो वो आगे भी जब चुनाव हम जीत रहे हैं तो आगे भी यही चीजें होंगी जैसे पहले होती रही हैं, जब तक से बराबर मुलाकात होती रहेगी, वो हमारे पास आते हैं कई बार, हम उनके पास जाते हैं, मतलब ये जो मिलन का सिलसिला है ना ये बराबर चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं होने वाली। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दोनों पंचायत की जनता से? बिल्कुल, थोड़ा सा नाम में फिर से सही सुधार कर दूं, अजय कुमार त्रिपाठी और मुन्ना बाबा जिनका चुनाव चिन्ह ढोलक है जो कि ईवीएम में दो नंबर पर होगा। तो जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है इस बार बदलाव कर दीजिए और जो मूड आप लोगों ने बनाया है, जो लहर अब की है, उस लहर में सवार होइए और नाव को पार कर दीजिए। 20 तारीख को वोटिंग है, बुधवार को वोटिंग है, सबसे पहले जाके मतदान करिए, ढोलक छाप आपका दो नंबर पर मिले जाएगी, हमें जाके बटन दबाइए और 22 तारीख को रिजल्ट में आप हमारे साथ उसी का जश्न मनाइए। भोजपुरी में अपील कर देता हूँ, 20 तारीख के वोट का बुधवार दिन पड़ा था, पहले खाना पीना छोड़िए, पहले वोट करिए, वोट कब आ गया तब खाना पीना बना के खाइए ना, पहले मतदान ठीक है फिर जलपान। चुनाव चिन्ह कर दिया, ढोलक जो उनकी ईवीएम है दो नंबर पर बांटे, दो नंबर के सामने मतलब ढोलक के सामने वाला बटन दबाई, हम मुन्ना बाबा अजय कुमार त्रिपाठी के जिताई विजयी बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे नीतीश त्रिपाठी जो दिल्ली में दैनिक जागरण के सीनियर एडिटर हैं और उनके चाचा अजय कुमार त्रिपाठी गौरा पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चाचा के चुनाव प्रचार में सहयोग करने के लिए यहाँ मौजूद थे और उनके साथ हमने बातें की इनका क्या विजन था, क्या काम किया, किन चीज़ों को लेकर जनता के साथ जा रहे हैं। लेकिन अब आगामी 20 तारीख को चुनाव है, अब यह देखने वाली बात होगी कि गौरा पंचायत की जनता विजय श्री के साथ इनके ढोलक को बजाती है या क्या कुछ करती है। लेकिन अब ये जनता के पाले में है, वोटिंग के बाद या इन लोगों की किस्मत का ताला बंद हो जाएगा